दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था और मैंने कहा था कि भाई आप लोग को पूछ लो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्या सवाल पूछना चाहते हो, मैं उनके जवाब एक Q&A एपिसोड बना करके देने की कोशिश करूंगा। और भाई खुशी बहुत ही ज्यादा हो रही है मुझे कि बहुत सारे सवाल पूछे गए और डाउट इस बात की भी हो रही है कि इन सारे सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगा या नहीं। बहुत सारे सवाल हैं, एक ही इंसान ने कई सवाल पूछ डाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवालों के जवाब आपको दे दूं। आज के इस वीडियो में आपको मेरी जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारी बातों का पता चलने वाला है गाइस, तो स्टार्टिंग से एंड तक सारे कमेंट्स को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स को शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर। तो दोस्तों जो सबसे पहला सवाल निकल करके आ रहा है वो आ रहा है व्लॉग ऑन अजय आरबी की तरफ से। वो लिख रहे हैं यूट्यूब में आने का सपना क्या है आपका, व्लॉगिंग चैनल में आपका लॉन्ग टूर कहां के लिए सोचा है, कभी आपका ऐसा हुआ है कि हम आज से YouTube छोड़ देगा और ऐसा हुआ है तो भी क्यों हुआ है। भाई बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल। तो जो सबसे पहला सवाल है आपका वो मैं आपको बता देता हूं। देखो YouTube में आने का मेरा कारण ये था कि मैं चाहता था कि लोग मुझे पहचाने, जाने, मुझे प्यार करें और मैं सबसे बातें कर सकूं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली हो, तो मैं इसीलिए YouTube में आया था। उसके बाद आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि लॉन्ग टूर कहां का सोचा है, तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा दूर जाने का तो सोचा नहीं, लेकिन ये ज़रूर सोचा है कि मैं इंडिया के अंदर ही लद्दाख तक ज़रूर जाऊँगा टूर करते हुए कभी। और आपने पूछा है कि YouTube में क्या मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं YouTube को छोड़ दूं, जी बिल्कुल ऐसा जरूर होता है। और वो समय ऐसा था जब मैं टेक के वीडियो दिया करता था और व्यूज़ भाई 100, 200, 50, 90, 80 ऐसे आते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, डिस्परेट हो जाता था मैं, मुझे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन टाइप का होता था और मैं सोचता था कि यूट्यूब छोड़ दूँ। लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि भाई लोगों को ये पसंद नहीं है तो मैं कुछ और करता हूँ, और उसके बाद मैंने अपने अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज किया और जाहिर सी बात है लोगों को उसके बाद पसंद भी आया और आज के दिन में मैं आपके सामने हूँ। तो बस हिम्मत नहीं हारना होता है गाइस। दूसरा जो सवाल मुझे आ रहा है वो पवन बोरो की तरफ से आ रहा है, इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछा है। भैया आप मैरिड हैं कि नहीं, GF है या नहीं, भैया आप सोनितपुर जिले के कहाँ से हैं, भैया आपका मातृभाषा क्या है, भैया आपका फेवरेट आसामी सेक्टर कौन है और फेवरेट बोरो एक्ट्रेस कौन है, भैया आप एम ऑफ लाइफ क्या है, भैया आपका फेवरेट फूड और भैया मेहनत, भैया बहुत सारे भैया है यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊं कि देखो भाई मैं इतने सारे सवाल के जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, GF कोई नहीं है, शादी करने के बाद GF नहीं बनाते, बहुत कम लोग बना भी लेते हैं और उसके बाद लफड़े भी होते हैं घर में, ठीक है, अगर कोई बना लेता है तो। मैंने कोई नहीं बनाया, मेरी बीवी है बस, ठीक है। दूसरी बात, सोनितपुर के किस जिले से हो, तो भाई मैं सोनितपुर से नहीं हूँ, मैं पहले सोनितपुर में रहा करता था लेकिन अब जिला बदल चुका है, मैं विश्वनाथ जिले में हूँ। उसके बाद आपका सवाल है मातृभाषा क्या है, तो भाई मेरे घर में भी मैं हिंदी में बातें करता हूं, लेकिन जो हमारा फैमिली है वो नेपाली कम्युनिटी से आता है, जिसे असम के अंदर में गोरखा कम्युनिटी भी कहते हैं, तो मैं उस कम्युनिटी से आता हूं, तो मेरी मातृभाषा वो है। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं SMS भाषा में बातें करता हूं, और आप जैसे कुछ लोग भी हैं जिनसे मैं बोडो भाषा सीखने की कोशिश करता हूं। इस तरह से आपके बहुत सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए, लेकिन इतने सारे सवालों के जवाब दे पाना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं थोड़े से स्किप करता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है केविन के ब्लॉग की तरफ से, वो लिख रहे हैं सर अब यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो, आप कितना साल के हो, शायद यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो, सर प्लीज पिकअप माय क्वेश्चन। अच्छा, तो भाई YouTube से पैसा का जो है ना वो कोई फिक्स नहीं होता है, कभी देखिए 10,000 भी आ सकता है, कभी 20 भी, कभी 30 भी आता है, तो एवरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 20-22,000 रुपये YouTube से आ जाता है, और उसके बाद भाई कुछ और अगर प्रमोशन मिल जाए तो वो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, तो यही होता है YouTube का इनकम। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि YouTube में मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी 2022 चल रहा है, तो मैं 2018 से YouTube में वीडियो बना रहा हूँ, पहले मैंने टेक के वीडियोज़ बनाए थे और धीरे धीरे करके जो है फिर मैं दूसरे लाइन में आ गया, जहां पर मैं आज के डेट में क्या करता हूं, वॉइस रेज करता हूं नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए। वेयर आर यू फ्रॉम, ये पूछ रहे प्रभाकरण दोले। प्रभाकरण दोले मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूं, असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूं। किशन देवर्मा, हाउ मच अर्न मंथली इन यूट्यूब, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया 20-22,000 रुपए आ जाता है।
GTS एंटरटेनमेंट, ब्रो आपने कब शादी कर ली मुझे पता ही नहीं चला। रे भाई मैंने शादी बहुत पहले कर ली थी लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था, आप लोगों को नहीं बताया था, बाकी लोगों को पता था, मैं छुपा के रखना चाहता था और 100K में डिस्क्लोज करना चाहता था लेकिन पहले ही मैंने डिस्क्लोज कर दिया। मनोजी ब्लॉग्स ये लिख रहे हैं मुझे, नॉन्ग मॉ डिस्ट्रिक्ट नी, बोरो भाषा में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भाई मैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दूसरा सवाल है इनका ना, बोरो हरे कौ बेसबंग मोजंग मनो। अच्छा मैं बोरो लोगों को कितना प्यार करता हूं तो इनको बताऊं कि मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, मैं सारे ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और बोडो लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही सीधे साधे भोले भाले टाइप के होते हैं, हाँ नाराज हो जाए तो वो खूंखार भी होते हैं, अलग बात है, इसीलिए मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं कहां का रहने वाला हूं, तो भाई मैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का हूं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि बी बॉयज का साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या, तो बी बॉयज के साथ जो, देखो भाई मैं उससे मिला नहीं हूं और उसके साथ जो दोस्ती की बात है तो हम लोग मतलब नॉर्मल डिस्टेंस वाले फ्रेंड है तो मिले नहीं है आपस में कभी भी। और उसके बाद शादी की बात मैं पहले ही बता चुका हूं। तो सारे क्वेश्चन माउजी ब्लॉग्स मैंने आपके जवाब दे दिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो OME25 व्यूज सेम क्वेश्चन है, आप कहां से हो, तो जवाब मिल चुका है। लकी भाई लिख रहे हैं, सर विच ईयर यू स्टार्टेड यूट्यूब वीडियो एंड वेयर योर होम टाउन, विच डिस्ट्रिक्ट लिविंग नाउ, सर विच कॉलेज फ्रॉम कंप्लीट मास्टर डिग्री सर एंड विच डिपार्टमेंट। तो भाई बहुत सारे सवाल है तो इनके सवालों के जवाब मैं दे देता हूं। देखो भाई YouTube मैंने 2018 में शुरू किया था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आपने जैसे कहा कि मेरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो मैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, वहां पर बिहाली नाम का एक जगह है वहीं पर मैं रहता हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो दोरंग कॉलेज से किया है, मास्टर्स जो है वो आइडल से किया है और वो भी अंग्रेजी में किया है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में किया है। 15 एडिट्स लिख रहे हैं, कहां से हो, तो भाई मैं बता चुका हूं मैं आसाम से हूं। भाई आपको स्टॉक मार्केट, ये ताइलोंग ब्लॉग मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप मार्केट के बारे में कुछ पता है और कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे बिल्कुल पता है स्टॉक मार्केट के बारे में लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं किया है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। कर सकते हैं जिसको अच्छा खासा नॉलेज है, मुझे है थोड़ा बहुत लेकिन इतना भी नहीं है। सर आपकी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब को छोड़ के, मेरे सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब को छोड़ के बहुत सारी है, मेरे पास चायपत्ती का बागान है करीब 10 बीघा के करीब, तो वो भी इनकम सोर्स होता है। उसके बाद मैं घर में ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता हूँ छोटे बच्चों को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को, तो वहाँ से भी एक इनकम का सोर्स आता है। और उसके बाद मैं टीचिंग करता हूँ दो दो इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ से भी मुझे पैसा मिलता है, तो ये सारे मेरे इनकम के सोर्स हैं यूट्यूब के अलावा। हमारा गाँव का सब लोग आपका वीडियो देखते हैं जी, क्रिएशन, थैंक यू सो मच मेरे भाई। गोरखा ब्लॉगर लिख रहे हैं, डियर सर क्या आप नेपाली हैं? बिल्कुल हाँ जी मैं नेपाली ही हूँ। राज हजोंग, सर जी आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? देखो यूट्यूबर मेरे हर सेक्टर में अलग अलग फेवरेट क्रिएटर्स हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो इंग्लिश मेकर मुझे एक थोड़ा फनी टाइप का क्रिएटर लगता है, मज़ा आता है। अगर आप एनर्जी लेवल की बात करोगे तो मुझे बी बॉयज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप न्यूज़ की बात करोगे तो मैं किसी और क्रिएटर को पसंद करता हूँ। अगर आप जो हो आप बहुत ही सिंपल टाइप के व्लॉग्स के शौकीन शौक की बात करोगे तो मैं लेंजिंग डोमिंग को भी देखता हूँ, इसी तरह से मोनू देवरी को देखता हूँ, बहुत सारे क्रिएटर हैं मेरे, रॉकेट व्लॉग को देखता हूँ, राहुल नरजारी को देखता हूँ। उसके बाद अगर रोस्ट की बात करोगे तो मैं फिर कैरी मिनाटी को देखता हूँ। अगर किसी कॉमेडी प्रोग्राम्स की बात करोगे तो मैं फिर भुवन बाम को देखता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं मेरे फेवरेट और सारे मैक्सिमम कैंस व्लॉग वगैरह मैं इन सारे लोगों को देखता हूँ जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर नॉर्थ ईस्ट से अपने आपको छोड़ के? अच्छा मुझे छोड़ करके बहुत सारे हैं, बी बॉयज है, लेंजिंग है, और देखो मैंने जैसे बोला हर सेक्टर में अलग अलग क्रिएटर मेरा फेवरेट है। उसके बाद हेलो सर आपका रियल नेम क्या है, ये पूछ रहे हैं दोजेन बसुमतारी मुझसे। आपका फर्स्ट यूट्यूब चैनल कब से शुरू हुआ और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो भाई डोजेन भाई मैं आपको बताऊं कि देखो भाई मेरा नाम जो है वो दिलीप शर्मा है, मैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और भाई मैंने यूट्यूब में पहला वीडियो जो है ना वो 2018 में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है नानुंग ताबा की तरफ से, हु इज़ योर फेवरेट रैप आर्टिस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? तो भाई मैं रैप सॉन्ग बहुत हो गए मैंने सुना नहीं है, मेरा फेवरेट कभी यामा बुद्धा हुआ करते थे, यामा बुद्धा के मरने के बाद मैंने बहुत सालों से जो है रैप म्यूजिक मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं
सुनने की कोशिश जरूर करूंगा आपको जवाब देने के लिए। क्या आप हमारे बी बॉयज का फैमिली से मिला सकते हैं? और थैंक यू सो मच। अच्छा, मोनू से मिलाने के लिए उस वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड करके रखा है। वाह, थैंक यू सो मच। और मैं बी बॉयज की फैमिली से भी आपको मिलाने की कोशिश जरूर करूंगा, जैसे कि मैंने मोनू के फैमिली से आपको मिलाया है। ये मेरा प्रॉमिस है विथ राहुल मेरे भाई। बिटू नेवर इनका कमेंट है। बिटू नेवर सवाल पूछ रहे, 100 के होने वाला दिन कैसा फीलिंग्स होगा ब्रो? तो भाई मैं आपको बताऊं कि 100 के का फीलिंग ना हर किसी को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलता है, क्योंकि उनका परिवार 1,00,000 का बन जाता है। तो मेरा भी जब परिवार 1,00,000 का हो जाएगा तो सच में वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा। और पता नहीं कब होने वाला है, 91K में हम आकर के अटक गए, बस 9K चाहिए। गाइज आप लोग क्या करो, मतलब जो वीडियो है ना, वीडियो को शेयर करो ताकि हमारा फैमिली और जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। यार मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए फैमिली, लेकिन मतलब 91K में आके हम अटक चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है अक्षय अंक की तरफ से। हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर इन नॉर्थ ईस्ट एंड वाई? भाई मैंने तो पहले ही बता दिया, अगर आप सबसे फेवरेट की बात करोगे तो मुझे बी बॉयज का कुछ अंदाज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, क्योंकि वो एक हंसी मजाक वाला मूड लेकर के आ जाता है, बहुत एनर्जी शो करता है, तो मुझे कुछ अच्छा लगता है। हाँ, उसमें भी कुछ कमियां हैं जिनको कि उसको सुधारने की जरूरत है, और मुझे ऐसा पता है कि समय के साथ वो सुधार लेगा। बी टॉम्स लिख रहे हैं, सर आप कौन कौन से स्कूल कॉलेज में टीचर थे, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो मैंने टीचिंग का करियर शुरू किया था वो आरएल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल करके एक स्कूल था जो हाई स्कूल हुआ करता था, मैंने वहां से टीचिंग करियर शुरू किया। उसके बाद ज्ञानम एकेडमी नाम का एक स्कूल था जिसमें मैं गया हूं, मैंने वहां पढ़ाया है 2-2.5 साल। उसके बाद फिर आरके मेमोरियल और फिर स्टीफन हॉकिंग्स नाम का जूनियर कॉलेजेस हैं, मैं इन कॉलेजेस में अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं। रिंकांग बोरो लिख रहे हैं, सर वेयर आर यू फ्रॉम एंड आर यू कंफर्टेबल ऑन यूट्यूब? यस आई एम कंफर्टेबल इन यूट्यूब। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूं। एक्टिव की तरफ से, व्हाट यू थिंक अबाउट अवर नागा फूड? भाई मैंने नागा फूड तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये आखुने के बारे में मैंने सुना था जो कि मैंने इंग्लिश मेकर के वीडियो में देखा था, तो मैंने ट्राई नहीं किया है ब्रो, कभी ट्राई जरूर करूंगा, लेकिन मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन ही खाता हूँ। मिनोटो वर्सा लिख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया? व्हाट योर एज? विच इज द बेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट? प्लीज ओके भाई मैं आपको बताऊं कि देखो नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या सोचना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सबसे खूबसूरत स्टेट है जहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्राइब्स रहते हैं, और मैं नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अगर आप मेरे एज की बात करोगे तो मैं अभी 34 ईयर्स ओल्ड हूं, 35 का होने वाला हूं। और साथ साथ आप पूछ रहे हो कि मेरा फेवरेट स्टेट, तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट के आठों स्टेट जो है ना वो मेरे फेवरेट है। व्हाट्स देखिए यूबे न्यू में लिख रहे हैं, इनका शायद नाम प्रोनाउंसिएशन में मेरा गड़बड़ हो रहा है, वो लिख रहे हैं व्हाट्स योर एम इन लाइफ, डू यू लाइक द नॉर्थ ईस्ट, व्हाई डू यू सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट पीपल, व्हाट्स योर ट्राइब एंड व्हाट्स योर एजेस, हु इज योर बेस्ट यूट्यूबर इन नॉर्थ ईस्ट? बेस्ट यूट्यूबर के बारे में मैं बता चुका हूँ, मेरा एम लाइफ में ये है कि भाई सारे लोग मुझे पहचाने, सब लोग मुझे प्यार करें, और मैं जो हूँ मैं अपने ट्राइबल भाइयों के लिए कुछ जिंदगी में कर सकूँ, यही मैं चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट को पसंद करने का रीज़न ये है कि यहां पर बहुत सारे अलग अलग एथनिक ट्राइब्स से बिलोंग करने वाले, बहुत सारे ट्राइब्स को बिलोंग करने वाले लोग हैं, जिनका कल्चर, जिनका खाना, जिनकी जिंदगी सबकी अलग अलग टाइप की है, तो मैं इसलिए नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। साथ साथ ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नेचुरली बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। और मेरी ट्राइब की बात करोगे तो मैं किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं मतलब जो नेपाली लैंग्वेज बोलने वाला इंडियन गोरखा हूं, मतलब इंडिया में रहने वाला गोरखा बंदा। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल, और मैंने हर सवाल के जवाब देने की कोशिश की है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो भाई मैं आपको बताऊं कि वीडियो को ज्यादा स्किप करके मत देखो, वीडियो को पूरा देखो, और 100K करने के लिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना, ताकि हमारा फैमिली जो है वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो सके। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।